अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल माने क्रिकेट शो। एशिया कप 2023 की टिकट्स की डिटेल सामने आई है और पीसीबी ने जो पाकिस्तान में होने वाले मैचेस हैं उनकी जो टिकट्स की ऑनलाइन सेल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और वो टिकट्स कहां से परचेज करनी है, कैसे परचेज करनी है, सारी की सारी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो 12 अगस्त को आपको एशिया कप 2023 की पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन। bookme.com में आप जाके ये टिकट्स अवेलेबल कर सकते हैं या फिर पीसीबी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर ऑटोमेटिकली ये 12 अगस्त को एक लिंक आ जाएगा, वहां पर आपने क्लिक करना है और आप डायरेक्ट टिकट खरीद सकते हैं। मुल्तान के पहले मैच की टिकट और जितने भी पाकिस्तान में चारों मैचेस होने हैं उनकी जो VIP टिकट्स होंगी, जो कि मेन टिकट्स नहीं होने वाली, जनरल टिकट्स नहीं होने वाली, जो VIP टिकट्स होंगी 10,000 12,000 14,000 की रेंज वाली, वो 12 अगस्त से आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। अगर कजाफी स्टेडियम की बात की जाए उसमें शामिल होगा इमरान खान इंक्लूजर, इसके अलावा जो मेन इंक्लूजर है जो कि जिसमें मीडिया बॉक्स भी होता है, उन इंक्लूजर्स की बात कर रहा हूँ कि वो टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी 12 अगस्त से। और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी कि 14 अगस्त को जो है वो जो जनरल टिकट्स होंगी, जनरल इंक्लोजर्स की, जिसमें सही जनरल इंक्लोजर होता है और जो सस्ती टिकट्स होती हैं, कम से कम टिकट जो है वो 1,000 रुपये की एक्सपेक्टेड है एशिया कप के लिए हर मैच के लिए, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी 14 अगस्त से। इसमें सही जनरल इंक्लोजर के अलावा जो राजा इंक्लोजर हैं, इसके अलावा मैं कजाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी इंक्लोजर्स हैं, हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर है, सारों की टिकट जो है वो आपको 14 अगस्त को देखने को मिलेगी। सिर्फ VIP टिकट्स आपको 12 अगस्त से ही अवेलेबल हो जाएंगी। अब थोड़ा तरीका आपको बता देते हैं कि टिकट आपने ख़रीदनी कैसी है। अगर आपके पास अकाउंट है किसी भी बैंक का तो वो तो वेल एंड गुड है, वो आपसे डायरेक्ट लिंक होकर वहाँ से पैसे आपके कर सकते हैं, आप कार्ड का नंबर डालेंगे और इजीली जो है वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट है तो आपने पहले उसमें पैसे डलवाने होते हैं, उसके बाद जब आपने bookme.com में जाना है वहाँ पर आपने टिकट सेलेक्ट करनी है। पहले तो आपको इंक्लोजर का स्टेडियम और मैच का मैच डिसाइड करना होगा, उसके बाद आपको स्टेडियम जो है उसमें इंक्लोजर डिसाइड करना होगा, इंक्लोजर के बाद आपको सीट जो अवेलेबल होंगी वो शो हो जाएंगी, आपने उन सीट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक OTT सेंड किया जाएगा, वो आपने इजी पैसा अकाउंट में डालना है या जैज़ कैश अकाउंट में डालना है और फिर जितना भी बिल होगा वो आपके इजी पैसा अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होकर वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, बैंक अकाउंट, इजी पैसा या फिर जैज़ कैश, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं bookme.com में। और अगर bookme.com आपकी एप्लीकेशन आपको नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट PCB की वेबसाइट पर जाकर लिंक से, जो bookme.com का लिंक होगा वहां से आप ये टिकट्स परचेज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड यही होगा कि पाकिस्तान के जो दो मैचेस खेले जाने हैं एशिया कप में उनकी टिकट्स जल्दी बिक जाएंगी। तो अगर आपका इरादा है पाकिस्तान का मैच देखने का तो आपने वो टिकट्स जल्दी ग्रैब कर लेनी है, फ़ौरन आपको एक दिन के अंदर अंदर ही वो ऑनलाइन सेल होते भी नज़र आ जाएंगी। बेशक ही वो नेपाल का मैच हो लेकिन वो आप टिकट्स जल्दी सेल हो जानी है। जो नॉन पाकिस्तान मैचेस हैं उनमें आपको हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वहाँ की जो टिकट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेल हो, लेकिन आपने उसका भी इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम एशिया कप को इन्जॉय कर सकें पाकिस्तान में तो आपने जल्दी से जल्दी टिकट ग्रैब कर लेनी है। 14 अगस्त छुट्टी का दिन होगा तो आप इजीली घर बैठे ही टिकट्स परचेज कर सकते हैं, बस आपने अकाउंट में अपने बजट के हिसाब से पैसे डलवा के रखने हैं और जैसे ही टिकट्स ऑनलाइन हो तो आपने फटाफट परचेज कर लेनी है। अब PCB का इरादा है कि पाकिस्तान में जो मैचेस हों वो सारे के सारे हाउसफुल हों, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है पाकिस्तान के लिए क्योंकि नेपाल के मैचेस भी हैं इसके अलावा पाकिस्तान के साथ, जिसमें क्राउड तो इतना एंगेज नहीं होगा, आपको उसका रिजल्ट पहले ही पता होगा कौन जीतने वाला है, लेकिन एशिया कप का मैच है वहाँ पर तो क्राउड आ जाएगा, लेकिन जो नॉन पाकिस्तान मैचेस होने वाले हैं छोटी टीमों के मैचेस तो बहुत ज़बरदस्त होंगे, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो उसमें क्राउड आए या ना आए इसका एक डर है PCB को। तो उस हवाले से टिकट्स को बहुत ज़्यादा कम रखा जाएगा नॉन पाकिस्तानी मैचेस के, 500 तक की भी आपको जनरल इंक्लोजर की टिकट देखने को मिल सकती है। तो ये अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया को एक मैसेज दे कि पाकिस्तान फुल क्राउड के साथ एक मल्टी नेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर सकता है। ये एक अच्छा इकदाम है कि टिकट की प्राइस कम रखी गई है, वहाँ पर बैठकर 8 घंटे का मैच होने वाला है। PCB को चाहिए कि वहाँ पर जो खाने पीने के इंतजाम हैं उनकी भी प्राइस को ठीक ठाक तरीके से कंट्रोल करें। 30 वाली चीज़ आपको 100 रुपये की देखने को मिलती है, आपको एक 50 वाली बोतल आपको 150 का कप देखने को मिलता है, तो ये प्राइस जब कम होंगी तो वहाँ पर आवाम जो है उनको, जो उनकी भूख है वो भी वो आराम से खाना पीना कर सकेंगे, तो वहाँ पर मैच भी इंजॉय कर सकेंगे। कुछ चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि वो कैसे एशिया कप को बेहतर बनाता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन परसों 12 अगस्त की डेट नोट कर लें और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की डेट नोट कर लें एशिया कप की पाकिस्तान लग की टिकट्स की मैचेस की फरोख्त के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।